बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर वाफियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाबी दें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जो आज टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है रेनी डे। इस पर हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो है वो रीड करते हैं, क्योंकि अगर आप लोग कोई भी ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर मिड में बताते हैं। अगर जैसे हॉबी था तो उसमें आप मिड में अपनी हॉबी के बारे में बताते हैं, रेनी डे है तो इसमें आप बताएंगे कि आप लोग किस तरह से इंजॉय करते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं और एंड पे हम किसी भी ऐसे में अगर एंड करते हैं तो उसकी एंडिंग बहुत ही प्रॉपर वे में करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करते हैं। लेकिन स्टार्ट करते हैं, पहले मैं आप लोगों के साथ ऐसे शेयर कर दूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ कोटेशंस एंड पे शेयर करूँगी। रेनी डेज आर डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर डे, दे होल्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर एवरीवन डिफरेंटली, पीपल हैव डिफरेंट रीजंस टू वेट फॉर द रेनी डे सीजन। रेनी डे भी कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे और रेनी सीजन भी कर सकते हैं। ईगरली, After all, it brings a high relief for everyone, no matter what the weather may be. A rainy day relaxes and soothes our soul. There is no age limit to enjoy rainy day. People of almost every age enjoy it equally. Rainy days are very important for a number of reasons. Rainy days are enjoyed by people of all age. Kids are probably the most excited lot of all. Rainy day bring pleasant weather and uplift the mood of kids. तो ये मैं अब आप लोगों के साथ स्टार्ट से शेयर कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि इसके आगे आप लोगों ने किस तरह से लिखना है। ये मैं स्टार्ट से शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें, अगर किसी वर्ड की समझ नहीं आ रही तो फिर पूछ लें कमेंट सेक्शन में। For students, a rainy day means a break from school. It gives them a break from their monotonous routine. As the school declares a holiday, the joy of going to school on a rainy day, enjoying the weather, and then realizing the school is closed is one of a kind experience. The student become relaxed. आगे यहाँ तक हमारा introduction जो है वो ख़त्म हो गया है rainy day से related, यानी हमने इसमें जो हमारे एजड पीपल हैं उनके बारे में भी बता दिया, स्टूडेंट्स के बारे में भी बता दिया और किड्स के बारे में भी बता दिया कि हर उम्र का जो बंदा है वो रेनी सीज़न को इन्जॉय करता है। अब आगे हम अपने बारे में बताएंगे कि हम किस तरह से इन्जॉय करते हैं, यानी आप किस तरह से इन्जॉय करते हैं। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, आई एंड माई कज़न्स वेट ऑल ईयर अराउंड फॉर रेनफॉल एंड वेन इट रेन्स Our eyes sparkle with joy. We like to play in the garden as the rain showers pour on us. We sing songs and jump in the muddy puddles to splash water. After enjoy weather, we enjoy eating pakoras. यहाँ तक आप लोगों ने अपने बारे में बता दिया, अब हम ending की तरफ चले जाएंगे। Enjoying the rain with cousin is the best part. We have so much fun together. ये आप लोगों का ऐसे कंप्लीट हो गया है। ऐसे की लेंथ अगर आप लोगों ने बढ़ानी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए रेनी डे के थोड़ा सा मटेरियल और भी आप लोगों को ऐड करवा सकूं नई वीडियो के साथ। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कोटेशंस। इससे पहले आप लोग ये देख लें सारा ऐसे, कोई भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलते हैं कोटेशंस की तरफ। कोटेशन नंबर वन है, अ रेनी डे इज़ अ स्पेशल गिफ्ट टू रीडर्स। सबसे पहले आप लोगों ने रेनी डे के बारे में ही कोटेशन लिखनी है, यानी जो भी आपका टॉपिक होता है इंट्रोडक्शन से पहले आप लोग उसके बारे में, टॉपिक के बारे में कोटेशन लिखते हैं। हॉबी थी तो हॉबी के बारे में लिखी, फिर आपकी गार्डनिंग है या पेंटिंग है वो मिड में आप बताएंगे। उसके बाद है सम पीपल फील द रेन, अदर जस्ट गेट वेट, आप मिड में लिख सकते हैं, लास्ट पे लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिखे। रेन इज़ जस्ट confetti from the sky. When life gives you a rainy day, play in the puddles. Without rain there is no life. ये भी आप लोग एंड पे लिख सकते हैं या आप लोग स्टार्ट में भी लिख सकते हैं। Without rain nothing grows. I like people who smile when it's raining.
तो यही थी मेरी वीडियो, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं आप लोगों के साथ कोटेशंस भी एक बार शेयर कर देती हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई यानी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। आमीन सुम आमीन। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को कोई मटेरियल चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।